press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के बुद्ध विहार में 4,75,00,000 रुपए की लागत से महाराजा भर्तहरि पैनोरामा का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास आज संपन्न हो गया। इस मौके पर राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही शहर विधायक बनवालाल सिंगल, जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, सभापति अशोक खन्ना, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। साथ ही जिला कलेक्टर राजन विशाल भी पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर के अंदर महाराजा भर्तहरि जी का, जो हमारे लोक देवता हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका एक पैनोरमा बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। 4,75,00,000 रुपए की स्वीकृति से इसका निर्माण होगा। यूआईटी ने हमको इसकी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है और हम इसको आगामी, हमारा ये प्रयास है कि आगामी 4 महीने में हम इसका जो प्रमुखता से जो काम है उस काम को पूरा करें और जून या जुलाई के अंदर हम इसको लोकार्पित कर सकें। आज शहर के बिल्कुल बीचों बीच बुद्ध विहार के बाहर मेन रोड पर, जो अलवर से बैरोड रोड वाला नारनौल रोड जाती है, रेवाड़ी को जाती है, इस सड़क पर महाराजा भर्तहरि, योगीराज भर्तहरि के पैनोरमा का, जो जमीन के अलावा 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा, ये एक भव्य पैनोरमा होगा जिसमें महाराजा भर्तहरि से, योगीराज भर्तहरि से जुड़ी सभी यादें होंगी। लोग अभी तक अपने सभी शुभ कार्यों के लिए बाबा भर्तहरि को मनाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भर्तहरि जी के स्थान तक जाते हैं जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। अब तत्काल प्रभाव से दर्शन करके अपने सभी कामों को शुरू करने का अवसर लोगों को मिलेगा। शहर में महाराजा भर्तहरि, योगीराज भर्तहरि से के जीवन से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को जानने का अवसर मिलेगा। अलवर के लोक देवता योगीराज भर्तहरि की स्मृति में मुख्यमंत्री जी की इच्छा से धरोहर प्रोन्नति संरक्षण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत की योजना से ये अलवर के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जो भर्तहरि बाबा का पैनोरमा बनने की आज शुरुआत हुई है, शिलान्यास हुआ है। भर्तहरि लोक देवता तो हैं, साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में देश विदेश में विख्यात तो हैं। भर्तहरि इतने बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे कि जिन्होंने 100 श्लोक नीति पर, 100 श्रृंगार पर और 100 वैराग्य पर लिखे, जो नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक कहलाए, जिन पर राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के बहुत लोगों ने PhD की है, शोध किया है। आज अलवर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि यहाँ महाराज भर्तहरि के लिए पैनोरमा का आज नींव का मुहूर्त किया गया है। इसके लिए मैं राजस्थान धरोहर संरक्षण समिति के लखावत साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, जिनको धार्मिकता, संस्कृति का बहुत ही ज्ञान है और इसके लिए कभी भी वो बजट में कमी नहीं आने देते हैं। आपके प्रयास से और आपकी क्रियाशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान धरोहर संरक्षण समिति के लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं आने दी है और अलवर में इस कार्य के लिए 5 करोड़ तकरीबन रुपये पास किए गए हैं और इसको और भी हम अच्छे से बना सकें। UIT के द्वारा जमीन जो यहाँ दी गई है, ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए मूल्य की हमने जमीन आदरणीय लखावत साहब के, इनकी भाव और अलवर जिले को समर्पित करने के लिए दी है। गौरतलब है कि धरोहर संरक्षण प्राधिकरण की ओर से वीर सेनानी हसन खां मेवाते की याद में भी स्मारक बनवाया गया है।